दोस्तों, आज से 2 या 3 साल पहले की बात करें तो अगर हमें एक कोई स्मार्टफोन लेना होता था जो कि हो फ्लैगशिप रेंज का, जिसके अंदर अच्छा बैटरी बैकअप, अच्छी डिस्प्ले, अच्छी कैमरा क्वालिटी और अच्छा प्रोसेसर देखने के लिए मिले और लुकिंग भी उस फ़ोन की प्रीमियम हो, तो हमें इन्वेस्ट करने होते थे 40 से 50 हज़ार रुपये। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर आप कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसके अंदर अच्छा बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, बढ़िया डिस्प्ले और बढ़िया प्रोसेसर मिले, तो आपको इन्वेस्ट करने होते हैं 20 से 30 हज़ार रुपये के लगभग लगभग। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इसी टॉपिक को कवर करने वाला हूं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 5 स्मार्टफोन जिनकी प्राइस रेंज 20 से 30 हज़ार के बीच में रहने वाली है और इन फोन्स के अंदर आपको बढ़िया सी डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, शानदार कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, बढ़िया प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा और इसके अलावा प्रीमियम लुकिंग भी देखने के लिए मिलने वाली है। इस लिस्ट के अलावा भी मैंने कुछ स्मार्टफोन्स के नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले कर लीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो टॉपिक को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5th रैंक के स्मार्टफोन की, जिसका नाम है MI 10i। ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है 6.67 इंच की फुल LED प्लस iPad डिस्प्ले के साथ। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन होता है और डॉट डिजाइन की डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है। स्नैपड्रैगन का 750G ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा जो कि 8 नैनोमीटर पर काम करता है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की, तो 108+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें इस फोन के बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर 4820 mAh की बैटरी मिलती है और 33W की फास्ट चार्जिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। फोन के अंदर साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पर बात करें इस फोन की प्राइसिंग की, तो 6GB 128GB वाला स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 21,999 रुपये का। इस फोन के अंदर डिस्प्ले का IPS पैनल होना एक माइनस पॉइंट है, हालांकि 120Hz रिफ्रेश रेट पर इसकी डिस्प्ले काम करती है जो कि इसका प्लस पॉइंट है। और इस स्मार्टफोन के अंदर कैमरा भी प्लस पॉइंट है जो कि 108 मेगापिक्सल का आपको देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे बड़ा हाईलाइट फीचर यह है कि 5G स्मार्टफोन होने के बावजूद भी इसका प्राइसिंग लगभग लगभग 20 से 21 हज़ार आपको मिलता है। 4th रैंक के स्मार्टफोन की बात करें तो वो आता है वीवो की तरफ से, वीवो V20 Pro। इसको मैंने रैंक दिया है 4। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाता है 6.44 इंच की फुल LED प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि नॉच डिजाइन के साथ आपको मिलती है, जहां पर आपको ड्यूल सेल्फी कैमरा लगे हुए मिल जाते हैं। स्नैपड्रैगन का 765G ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर पर काम करता है। इस फोन के अंदर ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिलता है आपको 64+8+2 मेगापिक्सल का। अगर बात करें सेल्फी कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पर आपको ड्यूल सेल्फी कैमरा मिलता है 48+8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी मिलती है और फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाती है 33W की। अगर बात करें इस फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करें प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 8GB 128GB वेरिएंट आपको मिल जाता है 29,999 रुपये का। इस स्मार्टफोन का प्लस पॉइंट इसका कैमरा और इसकी डिस्प्ले है और ड्यूल सेल्फी कैमरा भी आपको मिलता है, लेकिन माइनस पॉइंट की बात करें तो बैटरी 4000 mAh होना एक माइनस पॉइंट मानता हूं मैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो वो आता है OnePlus Nord। इसको मैंने रैंक दिया है 3rd। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको डिस्प्ले मिल जाती है 6.44 इंच की फुल LED प्लस फ्लूडिक एमोलेड डिस्प्ले जो कि 90Hz की रिफ्रेश रेट पर काम करती है। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 765G ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर पर काम करता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो 48+8+5+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलता है। और अगर बात करें सेल्फी कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पर ड्यूल सेल्फी कैमरा मिलता है 32+8 मेगापिक्सल का। वहीं पर बात करें इस फोन के अंदर बैटरी की, तो 4100 mAh की बैटरी मिलती है और 30W की फास्ट चार्जिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस फोन के अंदर भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो, क्योंकि बात हो रही है 30,000 रुपये की, तो यहाँ पर 12GB 256GB वेरिएंट आपको मिल जाता है 29,999 रुपये का। इस फोन के प्लस पॉइंट की बात करें तो इस फोन की डिस्प्ले, प्रोसेसर और रैम और स्टोरेज इसका प्लस पॉइंट बन जाता है। लेकिन अगर माइनस पॉइंट की बात करें तो रियर कैमरा की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कंपैरिजन टू इस रेंज के और स्मार्टफोन से। और इस फोन की बैटरी भी 4100 mAh है, कम से कम 4500 mAh होती तो अच्छी बात होती। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें जो कि आता है रैंक 2nd के अंदर, जिसका नाम है IQ3। ये स्मार्टफोन है तो पुराना, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन इंटरेस्टिंग है। 6.44 इंच की फुल LED प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। इसकी ब्राइटनेस निट्स काफी शानदार है 800 निट्स की। स्नैपड्रैगन का 865 फ्लैगशिप रेंज का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 7 नैनोमीटर पर काम करता है। अगर बात करें कैमरा सेटअप की, तो 48+13+13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसके अंदर टेलीफोटो लेंस सेंसर भी मिलता है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप देखने के लिए इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है।
बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4400 mAh की बैटरी मिल जाती है और 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की तो इस फोन के अंदर भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें प्राइसिंग की तो 8GB 128GB का वेरियंट आपको मिल जाता है 29,990 रुपये का। इस फोन की डिस्प्ले, इस फोन का प्रोसेसर दोनों ही प्लस पॉइंट्स है। अगर माइनस पॉइंट की बात बोले तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है ये स्मार्टफोन। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें जो कि है नंबर 1 रैंक पर, जिसका नाम है Realme X7 Pro। इस स्मार्टफोन को मैंने फर्स्ट रैंक क्यों दिया है उससे पहले हम स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इस स्मार्टफोन के अंदर 6.55 इंच की फुल एलईडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पे काम करती है। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000 प्लस ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर पर काम करता है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है आज की रेंज में। कैमरा सेटअप की बात करें तो 64+8+2+2 MP का रियर कैमरा सेटअप मिलता है और सोनी IMX का लेटेस्ट सेंसर भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो 32 MP का सेल्फी कैमरा सेटअप देखने के लिए आपको मिल जाता है। वहीं पर बात करें बैटरी की तो 4500 mAh की बैटरी मिलती है और 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की तो इस फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पर बात करें प्राइसिंग की तो इस फोन का 8GB 128GB वेरिएंट आपको मिल जाता है 29,999 रुपये का। यह स्मार्टफोन भी फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है आज की डेट में। इस फोन के अंदर शानदार प्रोसेसर होना, इसका प्रीमियम लुकिंग होना, सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना इस फोन का प्लस पॉइंट बन जाता है। दोस्तों इन सभी फोन्स में से कौन सा फोन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई फोन बताने के लिए रह गया हो लिस्ट में उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।